आप भी ले आइए, लेकिन आप तशरीफ नहीं रख सकते क्योंकि आपको बहुत काम करना है सीन में। अली बैठ के लेक्चर दे और वो लेक्चर जो आप लोग सुन सकते हैं वो तो वो उसको बखूबी सुन सकते हैं, उससे सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए सरमल वो बकाया तौर पे वो जो वो बात कर रहे हैं वो इनैक्ट करके दिखाएंगे। तालीम बालिगा इस गेम का नाम है। किस बारे में लेक्चर दिया जा रहा है जो एडल्ट्स को, यूजुअली बच्चे बड़े होते हैं तो उनको किस बारे में लेक्चर मिलता है, किस बारे में? जी पूनी के कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, पहले एक बहुत समय की बात है जी। पढ़ना जी, किसके बारे में? तमीज। ठीक है, बच्चों के लिए तमीज उनको सिखाना बहुत जरूरी है, तो तमीज के बारे में महफिल के आदाब या जो भी जिस उनका बारे में भी ये लेक्चर है, अली लेक्चर देंगे और सर उसको एनैक्ट करेंगे। लेट्स सी ताली में बारे में अबाउट तमीज। मेरी तरफ उधर ज्यादा लड़कियां हैं, मेरी तरफ अटेंशन प्लीज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमें लेक्चर मिला है देने के लिए वो है अदाब, तमीज। यानी आपने किसी भी महफिल में बहुत से डिसेंट सोबर सा इंसान आपने कैसे दिखना है। अक्सर औकात मैंने देखा है कुछ बच्चों में खास तौर पे कि वो महफिल में अपने ख्यालात में गुम सुम बैठे होंगे और अचानक उनका हाथ उठेगा और ये सीधा नाक में, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती। और इतने अम्मी अबू उनके इशारे करते हैं कि निकलो निकलो, इशारे इशारों में, जारी बात है मेहमान सामने बैठे हैं, अब इशारे इशारों में अम्मी कह रही है कि यार निकालो बात निकालो बात, लेकिन नहीं जी लगे हुए हैं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी बात है जो आपको बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए कि ये मेहमानों के सामने नहीं करना चाहिए, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको जी। तो बाकी इसके अलावा अक्सर औकात ये भी इशू आता है कि आपको भरी महफिल में कभी कभार किसी मतलब कि आपको खारिश होने लग जाती है, और बाजू का आपको ऐसे खारिश होने लग जाती है कि आप बड़ा अनकंफर्टेबल सा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप बैठे हुए हैं, आप जारी बात है जगह ऐसी है कि आप सबके सामने नहीं आप बता सकते उसको, तो अब आप कम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि मैं कैसे खारिज करूं। लेकिन अक्सर लोगों में देखना आया कि वो इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते और सब लोगों के सामने ये देखा जी शुरू हो गए खारिज 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 खारिज, तो ये आपको कतन नहीं करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी आप लोगों के कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा जी। मेहमानों के सामने बच्चों को मारना चाहिए? मेहमानों को सामने देखे डिपेंड करता है कि बच्चा बदतमीजी क्या कर रहा है, ठीक हो गया ना। अब कुछ बच्चे तो आएंगे सामने खाने की चीजें पड़ी होंगी, देख के पहले एक समोसा आराम से उठाया, फिर दूसरा, फिर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और एकदम पांच छह कट्ठे ही डाले। बैठेंगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फ्री होने की कोशिश करते हैं, पहले वो आपसे पूछते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं ना मेहमान, अब बैठे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे खुलने की कोशिश करेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं कि अच्छा क्या करते हो, अच्छा फिर वो पूछेंगे तनख्वाह कितनी है, पता चले कमाऊ कितना है भाई, ठीक हो गया। फिर अगर कोई शादीशुदा कपल है उससे तो लाजमी पूछेंगे कोई गुड न्यूज है, कोई गुड न्यूज है, अजीब
غریب سے سوالات جو لوگ کرتے ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے سامنے بالکل مہمانوں کو مارے بلکہ آپ ان کو الٹا کر کے مارے بالکل. جی جی کوئی اور کوئسچن؟ جی بہت بہت زبردست کوئسچن اس نے کیا ہے اور اس کو اکثر بیماری رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ مہمانوں کے سامنے خارش کس طرح کرنی چاہیے. دیکھیے پہلے تو جگہ آپ اس کا تعین کیجیے کہ خارش ہو کہاں. میرے کئی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خارش ان کو خارش کہیں ہو رہی ہوتی ہے, کھجانا وہ کہیں شروع کر دیتے. اچھا تو میں نے یہ دیکھا, تو پہلے آپ جگہ کا تعین کریں, لوکیٹ کریں کہ جگہ ہے کہاں پہ. مطلب خارش وہ چیز ہے جہاں پہ آپ کا آپ کہہ لیں کہ 1 ڈگری کا بھی فرق پڑتا ہے کہ یار اب اگر جو کھوڑا ہے وہ ادھر سے ادھر ہے تو آپ کو پھر اس میں ٹربل ہوگی. تو پھر آپ دیکھیں, ادھر ادھر دیکھیں, پہلے تو آپ آہستہ آہستہ وہاں ہاتھ لے کے جانے کی کوشش کریں, آہستہ آہستہ سلولی یہ یعنی ایک دفعہ کجا لیا اور ہاتھ جیب میں ڈال لیے, فوراً سے ٹھیک ہو گیا. اور پھر جیسے ہی آپ نے دیکھا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو انے واہ کارے جا رہا. تو آپ کوشش کیے کہ کریک کریم ہے اور مختلف موئسچرائزر ہیں, اپنے پاؤں پہ لگائیں, موئسچرائز رہیں گے, اسمیل بھی نہیں آئے گی اور جائے گی, یعنی 24 گھنٹے پہ جا ہی رہوں. ٹھیک ہے جی. میں جی ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. جی گجو متھا کے پاس کچھ پودے ہیں. ٹھیک ہے اس میں خاص طرح کی امریکن سنڈی پائی